हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, बड़ा भाई सीए मोहित तापड़े। और अब हम लोगों स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के साथ। आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हो, आपको इस कोर्स में 100% मजा आ रहा होगा। फिर भी अगर आपके कोई सजेशन एडवाइजेज हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है, जरूर से हमें मेल करें, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बाई चांस कुछ ऐप वगैरह में भी ग्लिंच आ रहा है, आप चाहें तो हमारी ये पर्टिकुलर वीडियोस आप तीन जगह से देख सकते हैं। पहला तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जो सिर्फ एंड्रॉयड पे अवेलेबल है एज ऑफ राइट नाउ। दूसरा हमारा विंडोज ऐप है जो आप अपने विंडोज लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट में नीचे मिल जाएगी। और तीसरा आप हमारी वेबसाइट से जाके खुद पढ़ सकते हैं www.shaperseducation.com, राइट? आप अपने बाकी सारे दोस्तों को भी बताइएगा अगर आपको मजा आ रहा है तो। हमने खाली एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है कि गुजरात बोर्ड को एकदम अफोर्डेबल बनाना है हमें, इसलिए हम लगे हुए हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। इसमें समझना कम है, मेमोराइज थोड़ा सा ज्यादा करना है। मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों चीजों में हेल्प करने की। ये जो मैंने पीछे यहाँ पे ले रखा है वो मेरे खुद के इकोनॉमिक्स के नोट्स है जो आपको हमारी वेबसाइट से इजीली आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, पीडीएफ कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो भी आप हमें मेल करिए, हम आपको हार्ड कॉपी के लिए कॉल करेंगे और आपको हार्ड कॉपी भी पहुंचा देंगे, जिसके एडिशनल चार्जेस जो भी रहेंगे वो हमारी टीम आपको मेल पे बता देगी। ठीक है गाइस, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक काम के साथ जिसका नाम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ग्राफ का क्या रोल रहता है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले समझते हैं ग्राफ के इंपॉर्टेंस का, इस ग्राफ की जरूरत क्या पड़ रही है, हमें ये ग्राफ बनाने क्यों पड़ रहे हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। तो भैया ग्राफ का सबसे पहले एक मीनिंग समझ लो। ऐसा कहा जाता है ना कि अनपढ़ आदमी के लिए काला अक्सर भैंस बराबर होता है। भैया वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लेटर्स और वर्ड्स और अल्फाबेट समझ में नहीं आते हैं, तो ये ग्राफ बहुत बार उनको समझाने में हेल्प करता है। कभी कभार पढ़े लिखे आदमी को भी समझ में जल्दी आ जाए, फटाफट आ जाए, उसके लिए ग्राफ्स और डायग्राम्स का यूज किया जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग ग्राफ और डायग्राम को एक ही मानते हैं जबकि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो अब सबसे पहले हम एलाबोरेट करेंगे, ये जानने से पहले कि इकोनॉमिक्स में ग्राफ डायग्राम का क्या यूज है, पहले हम ये समझते हैं कि डायग्राम और ग्राफ में क्या फर्क है, दोनों में अंतर क्या है। तो पहली बात तो समझ लो कि दोनों एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन के काम में आते हैं, डेटा को प्रेजेंट करने के काम में आते हैं। तो ये लाइन दोनों में सेम रहेगी, दोनों का बेसिक काम तो सेम रहता है, पर इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला डिफरेंस, डायग्राम जो होता है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, जबकि ग्राफ जो होता है वो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। मतलब अगर आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप बनाएंगे डायग्राम, और कंटीन्यूअस आने की क्लासेस होगी 0 to 10, 10 to 20, तो आप बनाते हैं ग्राफ। एक और सिंपल चीज बताता हूँ, डायग्राम को बनाना समझना ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, इसलिए डायग्राम बनाने के लिए आपको कोई भी ज्यादा डिटेल स्टैटिकल नॉलेज की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि डायग्राम बहुत इजी होते हैं, उनको हम इजीली बना सकते हैं। जबकि ग्राफ को बनाने के लिए आपको एक डिटेल्ड स्टैटिकल टूल चाहिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को तोड़ना आना चाहिए, इसके लिए आपको एक स्टैटिस्टिक्स की अच्छे नॉलेज की जरूरत होती है। पर आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपके सिलेबस में सिर्फ डायग्राम का डिटेल डिस्कशन है, आपको ग्राफ के डिटेल डिस्कशन के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस साल नहीं पढ़ाया गया है। ग्राफ के लिए हम लोग हायर स्टडीज पे जाते हैं, तो अब की बार जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डायग्राम। सो डायग्राम बेसिकली अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाया जाता है, जबकि ग्राफ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स लर्निंग को इजी करने के लिए बनाया जाता है। ग्राफ जो होता है वो ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत चाहिए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के चारों क्वाड्रेंट्स को यूज करता है। आपको पता होगा, आप लोगों ने एमएक्स में पढ़ा होगा कि ऐसे चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ये चारों क्वाड्रेंट्स को यूज करता है। तो यहाँ पे ये चारों क्वाड्रेंट्स का यूटिलिटी होता है ग्राफ्स में, डायग्राम में इतना डिटेल नॉलेज की जरूरत पड़ती नहीं है। इसलिए ग्राफ्स बेसिकली हमारे लिए जनरल पब्लिक के लिए या लेमैन के लिए नहीं होता है। ग्राफ जो बनाए जाते हैं वो हायर एग्जीक्यूटिव, अच्छे खासे मैनेजमेंट टॉपर्स के लिए या बेटर मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए अब से आप लोग एक चीज समझिएगा कि डायग्राम और ग्राफ अलग अलग चीजें हैं, हम दोनों को एक साथ में नहीं जोड़ सकते हैं। जनरली ग्राफ के लिए हम ग्राफ बुक यूज करते हैं, डायग्राम तो कहीं पे भी बनाया जा सकता है, वो बात अलग है। हम लोग डायग्राम भी ग्राफ बुक पे ही बनाते हैं जिससे और अच्छी क्लैरिटी आए,
तो नॉर्मली ग्राफ एक डिटेल्ड लेवल की पढ़ाई होती है, डायग्राम एक इजी लेवल की पढ़ाई होती है, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भैया जो भी ये ग्राफ और डायग्राम होते हैं इनका इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, कि ये डायग्राम और ग्राफ बनाने से इकोनॉमिक्स में क्या फायदा हो सकता है, आज वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला, जो भी पर्टिकुलर डायग्राम ग्राफ बनता है वो हमारे डिफिकल्टी और कॉम्प्लिकेशंस को इजी करता है। मतलब आपके डायग्राम्स और आपके ग्राफ आपके डिफिकल्ट लैंग्वेजेस को, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को इजी बनाने में आपको मदद करते हैं। सेकंड क्या होता है, ये आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड पता लगाने में मदद करते हैं। जब कभी भी आपको बहुत सारे अलग अलग ईयर्स का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तो उन सारे इंफॉर्मेशन की मदद से जब एक ट्रेंड का पता लगाना हो तो ये डायग्राम एक ग्राफ आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सेम वे ये डायग्राम आपको अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको इजीली समझने में मदद करते हैं। ये डायग्राम्स आपको हेल्प करते हैं ये जानने में कि भैया कौन से ग्रुप्स, कौन से रीजन्स, कौन से सेक्टर में किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या क्या पर्टिकुलर चेंजेस आ रहे हैं, उनको कंपेयर करना। ये बहुत बड़ा काम होता है कंपेरिजन का, ये कंपेरिजन के काम में भी आपको ये डायग्राम ये ग्राफ खूब मदद करते हैं। साथ ही में ये डायग्राम ग्राफ आपके एक्सप्लेनेशन इजी करते हैं, रीडर्स की अंडरस्टैंडिंग इजी करते हैं। दोनों तरफ का फायदा है भैया, समझाने वाले को समझाना आसान हो जाता है और समझने वाले को समझना आसान हो जाता है, तो दोनों के लिए बेनिफिट है ये। और सेम वे बहुत सारे डिफिकल्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को इजी बनाने में, इजी समझाने में भी डायग्राम और ग्राफ बहुत मदद करते हैं। तो ये एक 4-5 पॉइंट का आंसर होगा जो एग्जाम में 2-3 मार्क का आ सकता है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारी बार ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम में पूछा गया है। सो आपसे रिक्वेस्ट है इसको एक स्टार लगा दीजिए, मैं आपको स्टार रेटिंग देता रहूंगा, इसको एक बार के लिए 1 स्टार लगा दीजिए, एग्जाम में पूछने के चांसेस है। 5 स्टार जिसको दूंगा वो कंपलसरी आएगा। हम एक बेसिक रेटिंग देते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को पता चले कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऊपर वाला था ना ग्राफ और डायग्राम के डिफरेंसेस, वो कभी नहीं पूछते, इसलिए उसको रीड कर लो, छोड़ दो, बट ये कभी पूछ सकते, इसलिए हमने इसको 1 स्टार दे दिया है। अब